भगवान के नारद के पास जाकर रखाता है तो शिव जी का नाम कुंत कैश्वर हो जाता। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंद कैश्वर। कुंद प्रहार। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी संपदा की कमी हो रही है, कोई काम नहीं बन रहा, पैसा नहीं आ रहा, या व्यापार नहीं रहा, या घर में पैसे नहीं फेर रहे, या लक्ष्मी का आवक नहीं हो पा रहा है, लक्ष्मी का प्रभाव कम पड़ पा रहा, तो एक बेलपत्र जल के पात्र के साथ, बेलपत्र हाथ की हथेली पर, जल का पात्र उस हथेली के ऊपर, घर से ही चारों तरफ भ्रमण कराकर अपने घर के अंदर ही कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर जो शिवालय पास में, जो शंकर जी का मंदिर पास में, वहां पर जाकर पहले जल समर्पण करना, फिर हाथ में जो बेलपत्र है अपने कार्य का स्मरण करकर वो बेलपत्र शिव जी पर समर्पित कर दे, वहीं से थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आए और घर में उस जल का चारों तरफ छींटा दे। 8 दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन भी बहुत हो गए, हम तो कहेंगे 3 या 4 दिन में व्यापार वापस चलना प्रारंभ हो। शिव जी का एक नाम है कुंद कैश्वर। कौन से महादेव है? कुंद कैश्वर। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए।